मेरठ से खबर। जहां पर धर्मांतरण प्रकरण में मंगतपुरम में खुफिया विभाग ने डाला डेरा। आपको बता दें कि हर छोटे छोटे इनपुट पर जांच कर रही है खुफिया विभाग की टीम। पुलिस अब तक 8 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की थी FIR। 8 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी अनिल पास्टर और मुकेश पास्टर पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर हैं। मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद अनिल पास्टर ने अपनाया था ईसाई धर्म और दिल्ली से मेरठ में फंडिंग का काम करता था। फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं। बीजेपी नेता की अगुवाई में मंगतपुरम बस्ती के लोग पहुंचे थे SSP ऑफिस, जहां पर उन्होंने ये पूरे मामले की जानकारी दी थी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के मंगतपुरम कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 400 लोगों ने आपको बता दें कि ईसाई धर्म को अपनाया था। उनको जबरन उनका धर्मांतरण किया गया था, जबरन उनसे उनका धर्म बदलवाया गया था। अब तक इस पूरे मामले में आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है 8 लोगों की। मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? धर्मांतरण मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। हाँ बिल्कुल, देखिए यशी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो धर्मांतरण का मामला है वो लगातार टोल पकड़ता जा रहा है। अगर मेरठ पुलिस की बात करें तो मेरठ पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं अभी मुख्य आरोपी जो अनिल पास्टर था वो अभी फरार है। मेरठ तक फंडिंग का पूरा खेल किया गया था। 400 लोगों का जो धर्मांतरण किया गया उसमें अनिल की बड़ी भूमिका रही थी। 2020 से शुरू हुआ है मामला, 2022 जाकर खुला है। पूरा मामले का खुलासा होने के बाद जो खुफिया विभाग है उन्होंने मंगलवार में डेरा डाल दिया। इनपुट पर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा खेल मेरठ में कैसे हो गया, कैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से की गई और किन लोगों के द्वारा फंडिंग का पैसा मेरठ तक लाया गया, क्या इस पूरे फंडिंग के मामले के तार विदेश से जुड़े हुए हैं या यहीं का कोई ग्रोह इस पूरे मामले में काम कर रहा है। तो यही इस पूरे मामले के खुलासे के लिए मेरठ पुलिस लगातार लगी हुई है। LIU की टीम लगी हुई है, इंटेलिजेंस की टीम लगी हुई है और लगातार खुलासे का प्रयास कर रही है। 8 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। अभी अनिल पास्टर जो है वो फरार है। 2 लोगों के और नाम प्रकाश में आए हैं, वो भी फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रही है, दबिश दी जा रही है जगह जगह। वहीं मेरठ के जो SSP है रोहित सिंह सांजवान, इनका कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। जो मुख्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है, क्या इनके परिवार वालों से कोई संपर्क हो पाया है? क्या परिवार वालों को अभी तक पुलिस ढूंढ पाई है? हाँ, कुछ लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है दबाव बनाने के लिए, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मुख्य आरोपी अनिल पास्टर है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। लगातार पुलिस दबिशें दे रही है। जब ये अनिल पास्टर पुलिस के हाथ लगेगा, जब ही उसके बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा, पता चल पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी फंडिंग मेरठ में कैसे हुई, कहां से की जा रही थी और क्या पूरा इस मामले के पीछे पर्दाफाश हो पाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर फंडिंग की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद अनिल ने ईसाई धर्म अपनाया था और फंडिंग कर रहा था। लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।